सारा इंप्रूव कर चुके हैं। ये माय हेड डेट और यहाँ पे आप सुबह के बजे हैं 7 और हम बानीहाल रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम टूर सिरनगर रेलवे स्टेशन की तरफ ट्रैवल करेंगे। आगे का क्या होगा प्लान वो भी आपके साथ आगे शेयर करेंगे। हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं स्किम्स सौरा सिरनगर। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज में साथ साथ में व्लॉग भी बनाए और आप लोगों के साथ शेयर करें। आप लोगों को भी स्किम्स सौरा दिखाते हैं, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन दिखाते हैं। सो यहां पर आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा लोगों की भीड़ है। हम यहां पर अर्ली मॉर्निंग में ही पहुंचे थे, हमें लगा था कि ज्यादा यहां पे भीड़ नहीं होगी, रश नहीं होगा, बट क्योंकि हम संडे को ट्रैवल कर रहे हैं और यहां पर हमने जब कंफर्मेशन ली इस चीज की कि ऐसा क्या रेगुलर बेसिस पर इतना रश होता है, भीड़ होती है, तो पता चला कि नो, कंपेयर टू अदर डे संडे के दिन ही ज्यादा भीड़ होती है। सो लेट्स एंजॉय टुगेदर। पहले हम जाकर टिकट काउंटर पे अपनी टिकट ले लेते हैं, उसके बाद आगे आपसे बात करेंगे। ट्रेन में हम बैठ चुके हैं, टुवर्ड द सिरनगर ट्रैवल करेंगे। तो अभी मैं आपको सिरनगर में मिलती हूँ, बाय, टेक केयर। तो गाइस, हम सिरनगर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और बानीहाल से सिरनगर तक का जो ट्रैवलिंग पीरियड है ऑलमोस्ट 2 आवर्स का है। हम 7 AM पे निकले थे, 9 AM यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम आगे का लिफ्ट देखेंगे क्योंकि हमें स्किम्स सौरा जाना है, तो वहाँ पहुँच कर ही आगे की बात करेंगे आपसे। अब फाइनली हम स्किम्स सौरा इंस्टीट्यूट पहुँच चुके हैं और अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज है जो चीज़ें आपके साथ भी मैं शेयर करती रहूँगी। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा डिस्टेंस है इसमें, आगे मिलते हैं। अभी मैं आपको इसका फ्लिप कैमरा करके इसका आगे का दिखा देती हूँ पैटर्न की कैसे कितना बड़ा ये हॉस्पिटल है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द एरिया ऑल्सो। लेट्स एंजॉय विद मी। तो ये सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, दिस इज द OPD सेशन है यहाँ पर, और हम यहीं से एंटर करके हमें जाना है गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी OPD में। हमारी फ्रेंड की कंसल्टेशन है गैस्ट्रो OPD में, तो हम पहले वहाँ पे अपना काम खत्म करते हैं, फिर आगे आपसे बात करेंगे। अभी फ्रेंड्स, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट के पास हमारा जो काम था वो फिनिश हो गया। अब हम फार्मासिस्ट शॉप ढूंढेंगे, हम भी यहाँ पर नए हैं तो हमें जाना है फार्मासिस्ट की शॉप पर, वहाँ से हमें लेनी है मेडिसिन। सीधे जब हम जाते हैं आगे बिल्कुल फ्रंट व्यू में जहाँ पर फार्मासिस्ट की शॉप है, उसके बिल्कुल राइट साइड में बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कैंसर इंस्टीट्यूट स्पेशली फॉर द कैंसर पेशेंट्स। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं ये मेडिकल शॉप पर और यहाँ पर भी वही हाल है, बहुत ज्यादा भीड़ है लोगों की। आई डोंट नो हमें कितना टाइम यहाँ पर लगेगा। मेडिसिन लेने के बाद सिंपली हम बाहर का आउट पॉइंट देखेंगे, इसका व्यू पॉइंट क्या है और क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो गाइज, मेडिसिन तो हमने ले ली है एंड थैंक्स टू ऑलमाइटी यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगा। हम सोच रहे थे बहुत ज्यादा भीड़ है, मे बी इट विल कंज्यूम मच टाइम, बट थैंक्स टू ऑलमाइटी जल्दी हो गया। मेडिकल शॉप से जब हम वापस जाते हैं सीधे स्ट्रेट पोर्शन में हमें एक लेफ्ट टर्न लेनी है और लेफ्ट टर्न के बिल्कुल सामने COVID-19 क्लिनिक है। उसके आगे थोड़ा सा चलने के बाद वहां पर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का एक अलग क्लिनिक है, उसके अलावा दूसरे डिपार्टमेंट्स भी है। यहीं पर एस्टेट्स डिपार्टमेंट का रास्ता भी जाता है, उसके अलावा एक्सटेंडेड इमरजेंसी सर्विसेज का डिपार्टमेंट भी इसी साइड है। तो बहुत सारे एरिया में एक्सटेंडेड है, हम इसको फुली कवर नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ ज्यादा देर और नहीं रुक सकते, हमें अभी और जगहों पर भी जाना है। और अब हम यहाँ से लिफ्ट लेकर सीधे लालटू की तरफ ट्रैवल करेंगे और आगे हम आपसे वही बात करेंगे। सो गाइस, फाइनली हम लाल चौक मार्केट पहुंच चुके हैं, घंटाघर के पास में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा भीड़ है। आज सुबह से हमारा दिन कुछ क्राउडी रहा, पहले रेलवे स्टेशन में वहाँ पे भी बहुत क्राउड था, देन स्किम्स में इन द फार्मासिस्ट शॉप, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही हाल है, बहुत ज्यादा क्राउड है लोगों का। और अब हम सबसे पहले जाएंगे किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे, पहले कुछ खा लेते हैं, हम सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ खाया नहीं अभी तक क्योंकि सुबह से बहुत ज्यादा एग्जॉशन हो चुका है। और अब हम आए हैं रेस्टोरेंट में और यहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए कि हमें क्या ऑर्डर करना चाहिए, तो फाइनली हमने एक ऑप्शन चूज किया विच इज बिरयानी, आप देख सकते हैं। तो अभी हम टेस्ट करते हैं कैसी बनी बिरयानी, क्या अच्छी होगी या नहीं वो तो नहीं पता, वो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तब तक आप ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए एंड गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सो गाइस, खाना हमारा हो गया है, अब हम रेस्टोरेंट के बाहर आ गए हैं और ये है अमीरा कदल। अमीरा कदल से सीधे हम आगे चौक में जाएंगे, वहां से हमें लिफ्ट लेकर जाना है डल लेक और वहां का पूरा व्यू पॉइंट भी हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो ये माय है डल लेक और यहां पे आप देख सकते हैं, हम यहां पे थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद हमें और काम है और आपको दिखाते हैं आगे आगे सारा रूटीन आपको। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा ब्यूटीफुल ये एरिया लग रहा है, बोटिंग है यहाँ पर, हाउस बोटिंग है। सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पर लगी विच इसकी, यहाँ पर विद इन द डल लेक के अंदर छोटे छोटे मतलब इनफैक्ट बहुत खूबसूरत से होटल्स बने हुए है, घर बने हैं लोगों के। भैया क्या कर रहे हैं आप? आई थिंक भैया जो है वो मछली पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो 3 बार उन्होंने ट्राई अप किया है अभी तक, लेकिन कुछ भी नहीं उनको भी आदमी आया है। यू कैन सी ये जो यहाँ पर आई डोंट नो व्हाट इज द नेम कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, ये जो पानी के अंदर होती प्लांट टाइप होता है, वही बार बार इनके हाथ में आ रहा है। एनीवे भैया आप कोशिश करते रहे, आप जरूर कामयाब होंगे, आपको जरूर वहाँ पे सफलता मिलेगी। हम तब तक आगे और भी चीजें एक्सप्लोर करते हैं।
डल लेक में आए और शिकारा की राइड ना करें, दिस इज समथिंग वेरी मिसेबल। तो हम इस चीज़ को कैसे मिस कर सकते हैं? तो अब हम भी एक शिकारा राइड करेंगे और उसमें हम आपसे आगे और भी बातें करेंगे। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर ब्यूटीफुल से होटल्स, बहुत खूबसूरत से घर है जहाँ पर जो लोग रहते हैं। आई थिंक दिस इज द ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और जब ये यहाँ पर इवनिंग का टाइम होता होगा, स्पेशली मॉर्निंग का टाइम होता होगा, एंड ऑल्सो नाइट के टाइम पर जो लाइटनिंग होती होगी, आई फील आई कैन इमेजिन कि कितना ब्यूटीफुल ये एरिया लगता होगा। आई विश आई कुड बी देयर एंड वो चीज़ मैं एक्सपीरियंस करूँ, बट डेफिनेटली वंस अगेन वी विल कम हेयर। और उस दिन हम यहाँ पर नाइट स्टे में ज़रूर रहने की कोशिश करेंगे, और उस वक्त जो नाइट का जो यहाँ पे व्यू पॉइंट दिखता है वो खूबसूरती हम ज़रूर देखना चाहेंगे। एंड इनिशियली वी वर अफ्रेडिंग कि इस बोट में जाना है, यू नो इट वॉज न्यू एक्सपीरियंस, बिकॉज माई फ्रेंड इज एक्चुअली फीलिंग कि नो वी विल नॉट गो देयर, इट इज समथिंग यू नो अफ्रेडेबल। और वो बहुत सारा डर सा था, बट नाउ आफ्टर स्टेइंग इन द बोट इट्स सो कम्फर्टेबल। और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, बहुत मज़ा आया यहाँ पर, बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिली। और अलॉन्ग विद डैट यहाँ पर विद इन द डल लेक एक मतलब एक पूरा वो गार्डन टाइप क्रिएट किया है जहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज है फ्लावर्स की, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर वही लॉन्ग स्टे में रहकर ही एक्सप्लोर की जा सकती है। एंड आई थिंक कि हर एक को आना चाहिए अपनी जो भी फ्री टाइम है, वॉट एवर इट इज़, तो हर एक को आना चाहिए, ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, बिकॉज लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम, सो वाई नॉट यूटिलाइज इट इन सम गुड मेमोरीज, दैट्स वॉट वी आर डूइंग। बट या ऑफकोर्स दिस इज द वेरी गुड एक्सपीरियंस वी फेल्ट हेयर एंड द एटमोसफियर, एस्पेशली द कूल ब्रीज अराउंड द होल लेक इज इडियोसिंक्रेटिक, वी आर एंजॉइंग इट अलॉट। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर होटल्स का अरेंजमेंट भी है, हु वॉन्ट टू स्टे हेयर इन द नाइट, तो यहाँ पर वो रह सकते हैं। और दिस विल बी द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड द गुड एक्सपीरियंस हो विल बी राइट ओवर देयर इन द नाइट पीरियड, यू नो द लाइटनिंग अराउंड द लेक ड्यूरिंग द नाइट टाइम इज वेरी इडियोसिंक्रेटिक, आई कैन इमेजिन दैट फीलिंग। और आप तो देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये चीज़ें है। और मुझे सबसे अच्छी लगी, जैसे कि मैंने बोला कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए कितना पीसफुल एनवायरनमेंट होता होगा, बट एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं एक हाउस बोट के शेप में, उनको मतलब they were not afraid ki no it is it can slip into the lake, they are very you know courageous to that thing। so aapko kaisa laga ye vlog, pehla experience hai, isse pehle vlog nahi banaya hai maine koi, and agar aapko acha laga then please isko apna pyar dijiyega, apne friends mein apne relatives mein zarur share karega। aur agar kahin par kuch bhi missing hai ya fir kuch bhi tarah ka yahan pe improvement hona chahiye, please wo bhi aap comments mein bata dijiyega। aur thank you so much guys, is cheez ko explore kiya, aap logo ki jo motivation thi, aap log इंस्पिरेशन लेकर कि आप लोग के साथ भी ये चीज़ शेयर करूं। एंड वी रियली होप कि आपको भी ये चीज़ पसंद आई होगी। और यहाँ पर कैमरा में थोड़ी डिफिकल्टी आई थी, पूरा क्लियर नहीं आ रहा था, आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, इसमें ब्लरेशन आया था, ब्लर्ड हो रहा था चीज़ें, एंड आई एम श्योर आप उसके साथ एडजस्ट कर लेंगे। और अभी हम यहाँ पर भी काफ़ी टाइम से है और हमें अभी वापस जाना है, कल का बहुत ज़्यादा रूटीन है, बहुत ज़्यादा काम है, उस पर भी वर्क करना है। सो थैंक यू गाइज, यहाँ पर इतना ही, आगे नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करेंगे हम। प्लीज़ हमें बताइएगा आपको कैसा लगा ये एक्सपीरियंस, और हमने तो चाहा कि आपको भी एंजॉय करवाए इसी व्लॉग के थ्रू, तो क्या आपने रियली एंजॉय किया हमारे साथ इन चीजों को, प्लीज जरूर बताइएगा। थैंक यू।